दोस्तों, हिंदू धर्म में नागदेव को भगवान की तरह पूजा जाता है और नागों से जुड़े अनेक ऐसे रहस्य हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। एक ऐसी ही अनोखी सच्ची घटना आज हम आपको बताने वाले हैं। जब एक लड़की ने नाग को बनाया अपना भाई और नाग ने भाई बनकर जो किया, यकीन करना मुश्किल है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में जय महादेव का नारा जरूर लगा देना। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक औरत दूध बेचा करती थी। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था सरला। सरला बहुत ही संस्कारी और सरल स्वभाव की थी। उसकी माँ का रोज का ये एक नियम था कि वो कुछ हांडियों में दूध उबालकर उसे ठंडा करने के लिए घर के बाहर आंगन में रखती थी और फिर घंटी बजाती थी और फिर कुछ सर्प वहाँ प्रकट होते थे और उस दूध को पी लेते थे। उस औरत ने अपनी बेटी सरला से कहा था कि ये जो सर्प हैं तुम्हारे भाई हैं, अगर मैं ना रहूँ तो तुम अपने भाइयों को याद कर लेना। कुछ समय बाद उसकी बेटी बड़ी हुई और विवाह योग्य हुई तो उसकी शादी एक अच्छे खानदान में कर दी गई। जिस गांव में उनकी शादी हुई उस गांव के मुखिया के 7 बेटे थे और जो सबसे छोटा बेटा था उसी के साथ सरला की शादी हुई थी। 7ों बहुओं में से सबसे छोटी बहू सबसे ज़्यादा संस्कारी थी। उसे बाकी बहुएं हर रोज ताना मारा करती थी कि तेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं, एक माँ थी वो भी मर गई। ऐसा सुनने के बाद भी वो किसी को कुछ भी बुरा नहीं कहती। अब श्रावण का महीना आरंभ हुआ। छोटी बहू सरला को छोड़ बाकी सारी बहुएं बहुत ही खुश थी क्योंकि उन्हें उनके भाई लेने आने वाले थे और वे पूरा महीना आराम से मायके में व्यतीत करने वाली थी। सबसे बड़ी बहू छोटी बहू के पास आती है और कहती है, तुम्हारा तो कोई भाई नहीं, अब तुम क्या करोगी? पूरे श्रावण में भी तुम्हें ससुराल में ही बैठे रहना पड़ेगा। और हंसकर वहां से चल दी। बड़ी बहू की उन कड़वी बातों को सुन छोटी बहू बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है और रोते रोते एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। तभी उस पेड़ से शेषनाग बाहर आते हैं और उसे याद करवाते हैं कि तुम्हारी माँ मुझे दूध पिलाती थी और याद करो, मैं तुम्हारा ही भाई हूँ और तुम मेरी बहन, तुम चिंता ना करो और मेरे साथ नाग लोक चलो। एक बहन अपने भाई के घर आए, ये उसका अधिकार है। शेषनाग मनुष्य रूप धारण कर छोटी बहू सरला को उसके ससुराल से नाग लोक लेकर जाते हैं। नाग लोक में नाग माता से उसे बहुत प्यार मिलता है। उधर शेषनाग के भी छोटे छोटे बच्चे सर्प हुए थे जिनको नाग माता हर रोज ठंडा दूध पिलाया करती थी। एक दिन की बात है, छोटी बहू को पता नहीं था कि दूध अभी तक ठंडा नहीं हुआ है और प्यार प्यार में उसने उन छोटे बच्चों को वही गर्म दूध पिला दिया। जैसे ही सर्पों ने दूध पीना शुरू किया उनका मुंह जल गया और वे बहुत ही क्रोधित हो गए और छोटी बहू को डसने ही वाले थे कि नाग माता ने समय पर आकर उन्हें ऐसा करने से रोका और उन्हें समझाया। इधर समय भी हो चुका था तो शेषनाग वापस छोटी बहू सरला को उसके ससुराल छोड़ आए इस वादे के साथ कि अगले श्रावण में फिर आएंगे। इधर छोटे सर्प भी बड़े हो गए थे परंतु वे छोटी बहू से बदला लेना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि इस बार श्रावण में उसके घर जाएंगे और वहीं उसे डस लेंगे। श्रावण का महीना शुरू हो गया। छोटी बहू को पता था कि उसके भाई आने वाले हैं, इसलिए एक दिन पहले ही उसने अपने भाइयों के लिए ठंडा दूध, मीठी रोटी, फल, दाल ये सब बना के रख लिया। उसने अपने भाइयों के स्वागत के लिए घर के बाहर सर्प रंगोली बनाई और जैसे वे आए उन पर सुगंधित पुष्पों की वर्षा करी। उन्हें कुमकुम का तिलक किया और उन्हें मीठी रोटी और फल खिलाया और अपनी गलती के लिए भी माफ़ी मांगी। ये सब देख उसके सर्प भाइयों को विश्वास हो गया कि छोटी बहू से उनका मुँह गलती से जल गया था। इसीलिए उन सभी ने छोटी बहू को मोतियों जड़ित एक सुंदर हार दिया और वचन भी दिया कि जो भी तुम्हारी तरह हमें मीठा ठंडा दूध पिलाएगा हम उसे सर्प दोष से मुक्त करेंगे। तब से श्रावण मास के
शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं नाग देव को अपना भाई मानकर मीठे दूध और फल फूल से उनकी पूजा करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कथा हमें ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जय नाग देवता जरूर लिखिएगा।